हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके लिए अभी ये फाइल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की फाइल EPC 6, जो कि पहले इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई थी। थोड़ा टाइम हो गया उसको प्रोवाइड कराए हुए, तो लेकिन अभी हिंदी में और मिल गया है, तो हिंदी में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप हिंदी में लिखने के लिए इच्छुक हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जो भी टॉपिक्स हैं कुछ माइनस प्लस करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी मोटी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें। तो कुछ माइनस करना है तो भी कर सकते हो, ऐड करना है तो भी कर सकते हो। तो देखेंगे, सबसे पहले इंडेक्स में आपको हेडिंग्स दी गई हैं कि सबसे पहले आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, उसका अर्थ बताया गया है, उद्गम एवं विकास बताया गया है, फिर आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन मतलब CAI, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताया गया, क्योंकि आपको यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी होती है। इस फाइल के साथ में 2 CDs भी ऐड करनी होती हैं आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, PPT होगी, बनवाया गया होगा, नहीं बनवाया गया है तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझा दी जाएगी, और बाकी PDF आपको सर टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट और इंट्रानेट, फिर इसके बाद ईमेल के बारे में बताया, रेडियो विज़न, CD-ROM, वायरस इन कंप्यूटर, मल्टीमीडिया एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे वायरस इन कंप्यूटर मल्टीमीडिया में थोड़ा इंग्लिश में लिखा गया है, तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और आपको हिंदी में अगर मिल जाता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इनके बारे में ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाता है ना, इसलिए मैंने पहले आपको जो प्रोवाइड कराई थी फाइल वो इंग्लिश में ही कराई थी मैंने खुद भी, क्योंकि वो इंग्लिश में बनाई थी। देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में बताया गया है, फिर उसका अर्थ बताया गया है, मीनिंग बताते गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ ये कंप्लीट होता है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, और आगे चलते हैं तो यहाँ तक ये पूरा हुआ, ठीक है। फिर इसका ओरिजिन एंड ग्रोथ बताएंगे, कहाँ से ये शुरू हुई, सबसे पहले किसने इसका इस्तेमाल किया है ना, किसने बताया इसके बारे में, ओके। फिर आगे आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में कि मॉडर्न टाइम में किस तरीके से कैसे कैसे यूज़ हो रहा है ना, कैसे कैसे अब इनके बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के तत्व बता दिए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है, उनके बारे में बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है आकार के आधार पर, ठीक है, उनके प्रसंस्करण के आधार पर। फिर आगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसका सामान्य परिचय दिया गया पहले। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ तक ये पूरा होता है। आगे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के साथ कार्य करना, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं आप पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं ना मेनली, ठीक है, तो आप पिक्चर्स शो कर सकते हैं और दूसरा आप प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि एनिमेशन इफेक्ट वगैरह साउंड भी आ जाती है, इसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, GIFs ऐड कर सकते हैं, तो समझाने में बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ भी उसको सीखते हैं। अब यहाँ प्रोसेस भी दिया गया है कि प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है, मतलब PPT कैसे बनाएंगे। इसके बाद पावर पॉइंट विंडो, नेक्स्ट आपका पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन तैयार करना, किस तरीके से तैयार करेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत मतलब आप बना तो ली, आप प्रेजेंट कैसे करोगे क्लासरूम में, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कैसे ओपन करना है फाइल को, कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद इंटरनेट के बारे में बताया गया है, इंटरनेट क्या है इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, और अभी जो आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू ही तो यूज़ कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए उसके बारे में, तो नहीं पता है तो पढ़ लीजिए यहाँ से,
है ना, बनाते बनाते पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। इंटरनेट की विशेषताएं बता दी गई हैं, विशेषताएं आपको भी बात बहुत सारी पता होंगी, है ना, कितना काम आ रहा है, फाइल्स बनाने में काम आ रहा है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के बारे में बताया गया आगे, ठीक है। इंटरनेट हो गया, जब आप एक से ज़्यादा मतलब एक बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, तो वो इंटरनेट में आ जाता है। आगे ईमेल, परिचित होंगे आप ईमेल से, तो आपको अपनी फाइल में भी इसका परिचय देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया रेडियो विज़न, आगे सीडी रोम के बारे में बताया है, पहले फुल फॉर्म बता दी गई है और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा समझा दिया गया है, ठीक है। इसकी उपयोगिता, नेक्स्ट वायरसेस इन कंप्यूटर, ये है इंग्लिश में दो टॉपिक, एक तो वायरस और एक मल्टीमीडिया में थोड़ा आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। क्या है कंप्यूटर वायरस, कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। वायरसेस के नाम बता दिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, जब वायरस बता रहे हैं तो उसको ख़त्म भी तो करेंगे, तो एंटीवायरस से ख़त्म करेंगे, तो अलग अलग आते हैं आपके एंटीवायरस, है ना। अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया तो आपको पता भी होगा यूज़ कैसे करेंगे, है ना, एंटीवायरस इंस्टॉल कैसे किया जाएगा वो बता दिया। उसके बाद मल्टीमीडिया के बारे में बताया है, मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है, इसके बाद स्पीकर्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आता है मल्टीमीडिया में। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का संप्रत्यय या प्रत्यय। संप्रेषण के बारे में आपने बता दिया, और इसके बाद संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं, इसके कार्य, प्रोसेस, प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया, फिर शिक्षण अधिगम में संप्रेषण कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इसके तत्व, एलिमेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये एलिमेंट्स पूरे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक फ्लो चार्ट द्वारा शो कर दिया गया। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका फाइल, अब यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।